तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। मन में जो बड़बड़ करते हो तो अब बड़बड़ उठेगी, तुरंत रुकोगे और उस इंसान से अंदर ही अंदर माफी मांगकर उस लकीर को मिटा दोगे। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं ताकि हम प्रार्थना को सही ढंग से कर पाएंगे। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं। सभी लकीरों से मुक्ति पानी है। लकीर का अर्थ ही ल की र, ल यानी लगान, लगान की रस्सी, लगान की रस्सी बंध जाती है जब यह भावना दूषित रखते हो। किसी के भी प्रति मन में जो बड़बड़ करते हो तो अब बड़बड़ उठेगी, तुरंत रुकोगे और उस इंसान से अंदर ही अंदर माफ़ी मांगकर उस लकीर को मिटा दोगे। लकीरें बने उसको रोज़ का रोज़ मिटा दो। तो आपको पक्का करना है कि मुझे हर दिन कैसे जीना है। हर रात अपना दिल बड़ा करो, यानी क्षमा कर लो और क्षमा मांग लो। हर रात सोते वक्त पूरा दिन देखो आज क्या क्या हुआ, किन किन लोगों के लिए बुरी भावना आई, किन लोगों को हर्ट किया, किन लोगों को दुख पहुंचाया। मन कहेगा उनकी गलती थी, उनकी गलती, गलती हो भली, मगर आपके फिंगरप्रिंट्स गए हैं, इसलिए आपके साथ रेखा बंद गई। आपके और उनके बीच में अनसीन रेखा है, अदृश्य में वह असर करते रहती है। ऐसी कितनी लकीरें होगी इंसान की, चारों तरफ लकीरें ही लकीरें। अब ये सब लकीरें काटनी है, इंसाफ करना है, यानी कोई भी लकीर बचे नहीं। तो रात को दिल बड़ा करोगे, माफ़ी मांग लोगे, ये भी नहीं समझा हो तो सिर्फ उनको सामने लाकर आपको माफ़ी मांग लेनी है। फिर जो अंदर बचता है इस पर आपको काम करना है, यानी उन लोगों को मन के सामने लाना है जिनके साथ कुछ कर्म बन गए हैं। अपने रिश्तेदार, किसी को याद करते ही बुरा लगता है, और किसी को आपने बहुत कुछ बुरा बोल दिया है, और किसी को सामने नहीं बोला मगर अंदर बहुत बोला है, उसको अंदर बहुत गालियां दी है उसको, तो आप कहाँ मुक्त हुए? फिर आपकी रेखा उसके साथ तो जुड़ी हुई है। जो मुक्ति पथ पर चलना चाहता है वो क्या चाहता है, सारी रेखाएं मिटा दूं, उनको बुलाकर क्षमा मांग लूं। ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके क्या करने वाले हैं? कोई एक पर्सन को तो लाकर और उसके साथ क्या घटना है, उसके बारे में आपके मन में क्या क्या गलत शब्द गए थे, क्या क्या स्वर संवाद हुआ था, वो सब रिकॉल करके उस पर्सन को आज जो अंडरस्टैंडिंग दी उसके अनुसार आप उससे माफी मांगो और कहो कि ये आगे नहीं होगा। तो ये समझ के साथ आप ये कर रहे हो कि ये मुक्ति के लिए मुझे करना है। आप उस एक घटना को आज कोई भी एक चुनो, आज किसको चुनते हैं जिसके लिए मन में भावना नकारात्मक थी या उसके लिए कई अपशब्द निकले थे,
और फिर उससे माफ़ी कैसे मांगनी है जो बताया आपको, सभी आँख बंद करके ये प्रयोग करेंगे। देखें किसको क्षमा करनी है, किसको क्षमा मांगनी है। मन कहेगा सामने वाले की ही गलती है, मगर आपकी तरफ से गया है कुछ ऐसा, उसके लिए क्षमा मांग लो। भावपूर्ण हर घंटे भी सफाई हो सकती है, कमर्शियल ब्रेक हो सकती है, शक्ति की आवश्यकता इसी काम के लिए है, भक्ति की शक्ति। दिल से माफी मांगो, दिल बड़ा करो, कंजूसी मत करो। हाथ जोड़कर भी माफी मांग सकते हैं ताकि और भाव मिले। हाथ जोड़ने से भाव भी जागृत होते हैं। फील करें अंदर कैसा लग रहा है।
माँ की सभी बातों को जो जो भी उस पर्सन के साथ मनमुटाव गाली गलौज अंदर ही अंदर जो डायलॉग्स आपने बोले थे उस सब के लिए माफी मांगकर आपको अच्छा लगता है। आपकी समझ ये होगी कि मेरे वर्तमान में जो लकीरें एक्टिवेट हुई हैं सक्रिय हुई हैं उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। उन लकीरों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया इन लकीरों को मिटा दिया जाए। उन लकीरों को निष्क्रिय किया जाए। एक्टिवेटेड है डीएक्टिवेट हो जाए। वर्तमान में जो हमें रहने नहीं दे रही हैं लकीरें वे लकीरें मिट जाएं। क्षमा का डस्टर व्हाइट बोर्ड पर घुमाकर आप ये खुद को बताओ मेरे वर्तमान में जो भी लकीरें हैं जिनकी वजह से मैं वर्तमान में रह नहीं पाता उन लकीरों के लिए मैं क्षमा साधना कर रहा हूं कर रही हूं। आदर्श को साक्षी रखकर जिसके भी प्रति हम समर्पित हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूं अपनी मेरी बेहोशी की वजह से ये लकीरें जमा हुई हैं कृपया मुझे क्षमा करें। मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। पूरे दिल से क्षमा मांगे इतने दिल से इतने भाव से कि आप खुद को खाली होते हुए महसूस कर पाए। हृदय से तहे दिल से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कृपया मुझे क्षमा करें। आगे मैं ज्यादा सजग रहने का प्रयास करूंगा करूंगी। लकीरें मिटते ही आप में बल आएगा होश जगेगा। प्रार्थना करें कृपया इन लकीरों को निष्क्रिय करें सक्रिय लकीरों को निष्क्रिय करें। मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। ये लकीरें मिट गई हैं। इन लकीरों के मिटते ही वर्तमान में जो हो वो कैसे हो तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा मन में कहें। मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूं करती हूं। हे परमात्मा आपकी सृष्टि सदैव मुझे आपकी याद दिलाए ऐसी समझ ऐसी प्रज्ञा दो ऐसी बुद्धि बनाए रखो मेरा विवेक
सदा जागृत रखो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमात्मा, विश्व के सारे लोग इस बात पर राजी हो जाएं, एग्री हो जाएं कि प्रेम आनंद मौन के साथ रहने में ही उनकी भलाई है, सबकी भलाई है। इस तरह विश्व से सारी नफरत समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। प्रार्थना में इन भावों के साथ प्रार्थना करके समापन करें। अंत में तपर्पण करके आगे के कार्य करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं।